Our next question is, a viscous liquid is flowing through two tubes which are connected in series. Their lengths are L and 4L and radius R and 2R respectively. देखिए दो आपको एक लिक्विड है जो दो ट्यूब से जा रहा है, दोनों ट्यूब सीरीज में कनेक्टेड है, तो एक तो ट्यूब ये मान लेते हैं हम, लेंथ है कितनी L एंड रेडियस R, लेंथ L एंड रेडियस R, ठीक है। और दूसरा है जिसकी लेंथ तो कितनी है 4L और रेडियस है कितनी 2R, तो इसको जस्ट डबल करके और आगे कनेक्ट कर दिया ना इस तरीके से। इस तरीके से कनेक्टेड हमें बताना है कि दोनों ट्यूब के एंड्स पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड के फ्लो की रेट सेम होनी चाहिए दोनों ट्यूब से, तो पाई डेल्टा पी वन आर वन की पावर फोर, यानी डेल्टा पी वन इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, और यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस है ये डेल्टा पी टू है, ये किसके इक्वल होना चाहिए एट ईटा एल, ये किसके इक्वल होना चाहिए पाई डेल्टा पी टू आर टू की पावर फोर अपॉन 8 ईटा एल। सो यहां से देखिए डेल्टा पी वन आर की पावर 4 अपॉन एल इक्वल्स टू डेल्टा पी टू इंटू 2 आर की पावर 4 अपॉन इसकी लेंथ है 4 एल, तो यहां से डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा पी टू इसका वैल्यू आ जाएगा 4:1।